एक और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने जहां देश के कई राज्यों के साथ पूरे बिहार सहित बेगूसराय को संक्रमण की आगोश में लेकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे बचने के लिए तरह तरह की कोशिशें लगातार की जा रही है। इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सिस्टम कोई भी कसर बाकी छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इस महामारी से बचाव एवं चेन तोड़ने की बात तो दूर, उल्टे इस महामारी के दौर में भी कुछ निजी अस्पतालों के द्वारा घोर संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। मरीजों की जांच रिपोर्ट के साथ निगेटिव पॉजिटिव का खेल रचकर रोगियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किए जाने का सनसनीखेज करतूत सामने आया है। इस घिनौने कारनामे का खुलासा उस वक्त हुआ जब मानसिक रूप से परेशान मरीज के परिजन कई निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद हताश होकर सदर अस्पताल पहुंचे और सरकारी जांच रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। यह पूरा मामला बेगूसराय जिले की है। पीड़िता की पहचान बाघा निवासी राम कुमार यादव की पत्नी सरिता देवी की बताई जा रही है। रिश्तेदारों ने निजी अस्पताल के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसके मरीज की गलत रिपोर्ट पेश की गई, भय पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अरुण यादव ने बताया कि निजी अस्पताल के जांच रिपोर्ट कोरोना को पॉजिटिव दिया गया, साथ ही साथ ऑक्सीजन वैल्यू 68 बताया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतना ही नहीं, मरीजों में दहशत फैलाकर पहले 50,000 रुपये जमा करने को कहकर फिर रेफर कर दिया। श्री यादव ने बताया कि बदहवास होकर कई अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद थक हार कर रोगी को सदर अस्पताल लाए, जहां जांच रिपोर्ट निगेटिव और ऑक्सीजन वैल्यू 98 बताया गया है। यह चौंकाने वाले परिणाम देखते ही मरीज खुशी से भर उठे और बगैर इलाज और बिना दवाई के ही सदर अस्पताल से खुश होकर वापस घर लौट गए। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की शर्मनाक जानकारी मिलते ही अस्पताल के DS डॉक्टर आनंद शर्मा ने इसे शर्मनाक करतूत बताते हुए चिंता जताई है। डीएस ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि किसी कारणवश निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद संभव है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि पॉजिटिव आने के बाद किसी भी सूरत में रिपोर्ट निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर आनंद शर्मा ने बेशक वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि इस महामारी की दहशत से ही लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और वैसे स्थिति में और दहशत फैलाना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। सदर अस्पताल आए थे, नेगेटिव पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल भी इसका सही है, ये डॉक्टरों का स्थिति है। एक प्राइवेट वाला कहा कि पहले 50,000 जमा कीजिए, उसके बाद हम आपका पेशेंट की जगह देखेंगे। 50,000 जमा कीजिए तब जगह देखेगा। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा तो निर्धारित किया हुआ है कि आपको कितना पैसा देना है। निर्धारित किया हुआ है, लेकिन अब हम सदर में आए, हमको ही पता नहीं है कि जिलाधिकारी महोदय कहाँ कहाँ किस किस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल घोषित किए हैं और वहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिल रहा है। ये जानकारी अखबार के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से अभी तक हमको जानकारी नहीं हुआ है। ये आपकी कमी है। मेरी कमी हो सकती है, लेकिन जो डेली देना चाहिए एडवर्टाइज में, प्रचार में, उसका नंबर हॉस्पिटल का कहाँ मिलता, किस अखबार में मिलता, किसी दिन कोई अखबार में निकल गया होगा, संजोग से हम नहीं देखे होंगे। लेकिन आप ही बताइए कि कहीं चल रहा है। अभी अभी आपके पेशेंट की क्या स्थिति है? अभी हमारा पेशेंट का रिपोर्ट के अनुसार भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक, बिना दवा सुई। तो लोगों, जिलेवासियों से क्या कहना, कुछ जिलेवासियों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आकर के सदर हॉस्पिटल में जांच करवाइए, प्राइवेट डॉक्टर डकैत के चक्कर में मत पड़िए, हम तो यही कहेंगे। क्या नाम है आपके पेशेंट का? मेरा पेशेंट का नाम है सरिता देवी। उनके पति का नाम? राम कुमार यादव। कहाँ घर है? बाघा। आपके कौन है? हमारा रिलेशन का है सर, बेटी है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव। जांच में गलती तो लेकिन हम क्या बोले, गलती हो गई। किट तो सब एक ही रहता है, किट से जब भी करेंगे तो किट तो एंटीजन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ट्रू नेट हमारे यहाँ एक है जो बाहर में नहीं होता है, परंतु RT-PCR बाहर में प्राइवेट में होता है और यहाँ भी होता है। तो RT-PCR मान लीजिए हमारा पटना जाता है तो जांच में तो नहीं होना चाहिए, परंतु यह है कि निगेटिव आता है तो वो हम मान सकते हैं। निगेटिव में हम लोग फिर CT कराते हैं, CT में है कि डायग्नोस्टिक है कि आपको, बहुत पेशेंट हमारे यहाँ है जो अभी आप देखिएगा हम लोग सस्पेक्टेड कोविड में रखे हुए हैं, तो उनका सब रिपोर्ट निगेटिव है। ट्रू नेट भी निगेटिव है, RT-PCR भी निगेटिव है, एंटीजन भी निगेटिव है, परंतु पेशेंट ब्रेथलेस है तो कुछ कारण तो होगा, तो हम लोग उसका CT कराते हैं, CT में पता चल जाता है कि पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी पॉजिटिव होकर निगेटिव हो जाए, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है, वो तो पता ही नहीं। और भी आप जैसे आप हमको दिखा रहे थे सेचुरेशन,
तो वो तो हम नहीं बदल सकते। सिचुएशन किसी का अगर आपका 78 है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 64 हो गया, और उसके बाद यहाँ आके 98 हो गया, 99 हो गया, ये तो मिरेकल की बात है। ऐसा हो, ऐसा होना संभव नहीं, ये एकदम गलत चीज, ये एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या लग रहा है कैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाना है, की जाए? हाँ, आप ऐसा जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो है कि उस पर, उसमें हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे कि जो आदमी पेशेंट इतना एगोनी में है, ऐसे ही कोरोना का नाम सुन के पेशेंट, देखिए हम 3 पेशेंट ऐसा देखे जिसका सिचुएशन 98% था, वो लेडी आई कि हमको भर्ती कर लीजिए। हमको क्यों भर्ती कर रहे हैं सर? आप बहुत घबराई हुई है। हमको ठीक है, एक दिन इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कर लो, कोरोना का उसका सिचुएशन नॉर्मल था, बोले आप घर पर भी रहकर इलाज करा सकते हैं। परंतु था कि इतना नर्वस थी वो कि तो हमको लगा नहीं, आप लोग ठीक है घर पर, आप एक दो दिन यहाँ रह जाइए, सब यहाँ पेशेंट आपको मिलेगा, थोड़ा आपका माइंड चेंज होगा तो फिर ये हो जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है, इसमें तो हमको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना महामारी के आड़ में कहीं ना कहीं लूट खसोट का, और इस पर हम देखिए कमेंट नहीं करें, इसमें हमको मत तरीके से मेरा कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम है कि ऐसा जो है अभी के टाइम में, अभी हम लोग सोचिए कि सब चीज़ छोड़ के आते हैं, अपना सब की घर छोड़ के रह के, और जबकि खुद हम कोरोना से बच के मर के बचे हैं, तब भी हम कोरोना वार्ड में जाते हैं, हम देखते हैं पेशेंट को सब है, और पेशेंट का जो एगोनी देखते हैं, पेशेंट जितना परेशान रहता है, और लोग को नेचुरल है किसी के घर में, एक जिसके घर में आदमी मर गया उससे पूछे कि कोरोना क्या ले गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये नहीं है कि कोरोना हो गया ठीक है, परंतु जिसका मर गया उसका देखिए कि उसका परिवार खत्म हो गया, उसके लिए एक ही आदमी काफ़ी है, तो इसको तो हमको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार लोग पैनिक हो रहे हैं, क्या मतलब बेगूसराय के सदर अस्पताल किस तरह का व्यवस्था? देखिए बेगूसराय सदर अस्पताल में हम लोग केवल हम लोग का पेशेंट अटेंडेंट बात नहीं सुनता है, अगर बात सुने ना, देखिए ऑक्सीजन सेचुरेशन लगाने के लिए जो 3-4 लड़का है, मेरा बिहार लड़का सर है, मिनटे मिनट ऑक्सीजन बदलता है, ऑक्सीजन का कमी हमारे यहाँ नहीं है, इसमें कोई दूराय नहीं, परंतु हमारे यहाँ ICU जब हम भेंट स्टार्ट कर दिए, जबकि हमको मेन पावर बहुत कम है, भेंट के लिए हमको मेन पावर बहुत चाहिए, तो हम लोग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जो कमेगा फिर देखेंगे, लड़के को बाहर रिक्रूट कर रहे हैं, भेंट वाला में हमारा 3 ही आदमी अभी है, तो राउंड द क्लॉक करेगा, और हम लोग ये भी सोच के चलना चाहिए अगर किसी एक को कुछ हो गया तो उसका पारी कौन करेगा, तो हमारे पास स्टाफ की भी कमी है, उसके बाद भी हम लोग भेंट स्टार्ट कर दिए, और हमारे यहाँ ऑक्सीजन में आपको देखिए 10 लीटर जिसको है, 12 लीटर है, 15 लीटर है, हम उतना दे सकते हैं, हमको कोई ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं है, हम लोग उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं। सदर अस्पताल की खासियत यही है, आप प्राइवेट में जाइए, आप भी जाइए, प्राइवेट में जो है ऑक्सीजन की चोरी होती है, कोई कम ऑक्सीजन नंबर करके देते हैं, 2 लीटर 4 लीटर करके देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आपका सिचुएशन कम है तो हमारी तरफ से डायरेक्शन रहता है 8 लीटर को करना है 8 लीटर करो, जिसको 95 है, परंतु दुख एक बात का हमको भी होता है, 10-15% हमारे यहाँ ऐसा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, आप जाके घूम के देख लिए, मास्क खोल के बैठा हुआ है, चाय आराम से पी रहा है, परंतु घर नहीं जाएंगे, बोले तो किसका हार्म कर रहे हैं, हमारा जो पेशेंट अभी आ रहा है उसको बेड नहीं मिला, अभी एक पेशेंट बहुत एगोनी में है, एक भी बेड मेरे पास खाली नहीं है, तो जब 16% चला जाए, कम से कम 16 और आदमी तो आता, तो अभी तो हम लोग आए थे, प्रशासन के लोग आए हैं सर, कल से उस पर एक्शन लिया जाएगा।